जाति, जिससे जुड़े कई किस्से आपने कई बार सुने होंगे। जब किसी के साथ उसकी जाति या फिर नस्ल की वजह से बुरा बर्ताव किया जाता है, अपमानित किया जाता है, या किसी चीज से वंचित किया जाता है, या फिर किसी तरह की कोई धमकी दी जा रही हो, ऐसी हरकतों को जातिवाद का नाम दिया गया है। अप्रैल वो महीना है जिसे दलित इतिहास के तौर पर मनाया जाता है। वजह है दलितों में एकता की मिसाल कायम करना। लेकिन आज हम ऐसे किसी मुद्दे पर बात नहीं करने वाले हैं, ना ही हम जातिवाद के जख्मों को कुरेदने की कोशिश करेंगे। दरअसल आज हम बात करेंगे मुस्लिम समुदाय में मौजूद कुछ पंथों की, इस समुदाय में बटे हुए समाज की। हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिम समाज भी जातियों में बांटा गया है। इन सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे इस नए मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम समुदाय में बेहद चर्चित सुन्नी समाज की। सुन्नी या फिर सुन्नत, जिसका मतलब है उस तौर तरीके को अपनाना जिस पर पैगंबर मोहम्मद ने खुद अमल किया हो। और अगर बात एक रफ आंकड़े की जाए तो दुनिया में मौजूद सुन्नी मुसलमानों की संख्या लगभग 1.7 बिलियन के आसपास है। लेकिन अगर बात शिया मुसलमानों की जाए तो ये करीब 180 से 230 मिलियन के आसपास है। असल में सुन्नी मुसलमान ऐसा मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके इन लॉ यानी अबू बकर मुसलमानों के नए नेता बनाए गए, जिसे खलीफा के नाम से दुनिया में जाना गया। और अबू बकर के बाद हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली मुसलमानों के नेता बने। और यही वो चार हुए जिन्हें खुलफाए राशिदीन यानी सही दिशा में चलने वाला कहा गया। हालांकि इनके बाद जो लोग मुसलमानों के नेता बने वो राजनीतिक तौर से तो ठीक थे लेकिन धार्मिक तौर पर सही नहीं थे। लेकिन अगर इस्लामिक कानून की बात की जाए तो इसमें भी सुन्नी समाज को चार ग्रुप में बांटा गया है। लेकिन असल में है ये पांच ग्रुप, पर पांचवा ग्रुप इस समाज से खुद को अलग रखकर चलता है। असल में सुन्नी इस्लाम में इस्लामी कानून के चार मेन स्कूल हैं, और 8वीं और 9वीं सदी में लगभग 150 साल के अंदर चार मेन धार्मिक नेताओं ने जन्म लिया। यही वो नेता हुए जिन्होंने इस्लामिक कानून का एक्सप्लेनेशन दिया और फिर आगे चलकर उनको मानने वाले उस जाति के समर्थक बन गए। और वो चार नाम हैं इमाम अबू हनीफा, इमाम शाइफ, इमाम हम्बल और इमाम मालिक। और अब बात करते हैं हनफी जाति की। असल में जो लोग अबू हनीफा को मानते हैं वो लोग हनफी कहलाते हैं। अब इसमें भी दो ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं, जिसमें पहला है देवबंदी और दूसरा है बरेलवी। और इंटरेस्टिंगली ये दोनों नाम उत्तर प्रदेश के दो जिलों देवबंद और बरेली के नाम पर रखा गया है। और 20वीं सदी का वो दौर था जब दो और नए धार्मिक नेता आए, मौलाना अशरफ अली थानवी और अहमद रजा खां बरेलवी। ये वक्त 1863 से 1943 के बीच का था जब इन दोनों नेताओं ने भी इस्लामिक कानून का एक नया एक्सप्लेनेशन दे दिया। आपको बता दें कि अशरफ अली थानवी का संबंध दारुल उलूम देवबंद मदरसा से था, जबकि आला हजरत अहमद रजा खां बरेलवी बरेली से ताल्लुक रखते थे। हालांकि 1866 के वक्त मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही और मौलाना कासिम ननोतवी ने देवबंद मदरसे की नींव रख दी और तभी ये देवबंद विचारधारा परवान चढ़ने लगी। और शायद आपके लिए ये बात पूरी तरह से नई हो, लेकिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों का संबंध इन्हीं दो पंथों से है। हालांकि दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर कुछ चीजों को लेकर इनके बीच मतभेद होते रहे हैं। जैसे बरेली इस बात को मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद सब कुछ जानते हैं, जो दिखता है वो भी और जो नहीं दिखता वो भी, और वो हर जगह मौजूद है। पर अगर बात की जाए देवबंदी समाज की तो उनका ऐसा कोई विश्वास नहीं है। देवबंदी अल्लाह के बाद नबी को दूसरे स्थान पर रखते हैं लेकिन उन्हें इंसान मानते हैं। बरेलवी सूफी इस्लाम के फॉलोअर्स हैं और उनके यहाँ सूफी मजारों को काफी महत्व दिया जाता है, जबकि देवबंदियों के लिए इन मजारों की कोई अहमियत नहीं होती। इसके बाद एक और समाज आता है जिसे मालिकी के नाम से जाना जाता है। असल में इमाम अबू हनीफा के बाद सुन्नियों के दूसरे इमाम इमाम मालिक हैं, जिन्हें मानने वालों की संख्या एशिया में कम है। हालांकि उनके फॉलोअर्स उनके बताए गए नियमों को ही मानते हैं। ये समुदाय आमतौर पर मिडिल ईस्ट, एशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। अब कड़ी से कड़ी जोड़नी है तो बात अब शाफई की। जी हाँ, ये भी एक समाज है, एक मुस्लिम समाज। असल में शाफई इमाम मालिक के शिष्य हुआ करते थे और सुन्नियों में तीसरे प्रमुख इमाम और मुसलमानों का एक बड़ा तबका उन्हें फॉलो करता था, जो ज्यादातर मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीकी देशों में रहता था। आस्था के मामले में ये दूसरों से बहुत अलग नहीं है, लेकिन इस्लामिक तौर तरीकों के आधार पर यह हनफी धर्मशास्त्र से एकदम अलग है। ऐसा ही कुछ हम्बली समाज में भी है, जिसमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिडिल ईस्ट और कई अफ्रीकी देशों में भी मुसलमान इमाम हम्बल के धार्मिक तौर तरीकों पर ज्यादा अमल करते हैं। यही वजह है कि वो अपने आप को हम्बली कहते हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब की सरकारी शरीयत इमाम हम्बल के धार्मिक कानूनों पर बेस्ड है। इन चारों इमामों को मानने वाले मुसलमानों का ये मानना है
कि शरीयत को मानने के लिए हमें इमाम को फॉलो करना जरूरी। अब बात करते हैं सल्फी, वहाबी और अलहे हदीस की। असल में सुन्नियों में एक ऐसा ग्रुप भी है जो किसी खास इमाम को फॉलो करने की बात नहीं करता। ये कहता है कि शरीयत को समझने और उसका सही ढंग से पालन करने के लिए सीधे कुरान और हदीस को समझने की जरूरत है। इसी समुदाय को सल्फी, अहले हदीस और वहाबी जैसे नामों से जाना जाता है। ये संप्रदाय चारों इमामों के ज्ञान, उनके शोध और अध्ययन और उनके साहित्य की कद्र करता है। लेकिन ये ग्रुप ऐसा भी कहता है कि इमामों में किसी भी एक को फॉलो करना जरूरी नहीं है। जो बात कुरान और हदीस के मुताबिक है उस पर अमल करना बेहद जरूरी है, और किसी भी विवादास्पद चीज में अंतिम फैसला कुरान और हदीस का मानना चाहिए। दरअसल सल्फी एक ऐसे इस्लाम का प्रचार चाहता है जो पैगंबर मोहम्मद के वक्त में था, और इस सोच को परवान चढ़ाने का ठीकरा इब्ने ताइमा 1263 से 1792 तक इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के सिर पर फोड़ा जाता है, और अब्दुल वहाब के नाम पर ही ये समुदाय वहाबी नाम से जाना जाता है। वैसे आपको बता दें कि इस ग्रुप के बारे में एक बात और बड़ी मशहूर है कि ये सांप्रदायिक तौर पर बेहद कट्टरपंथी और धार्मिक मसलों में बहुत कट्टर है, और सऊदी अरब के मौजूदा शासक इसी विचारधारा को मानते हैं। यहाँ तक कि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन भी सल्फी विचारधारा का ही समर्थक था। और अब हम सुन्नी बोहरा समुदाय को कैसे भूल सकते हैं। ये गुजरात और महाराष्ट्र के साथ साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मुसलमानों का कारोबारियों का एक ग्रुप है जिसे बोहरा नाम से जाना जाता है। बोहरा शिया और सुन्नी दोनों होते हैं। सुन्नी बोहरा हनफी इस्लामिक कानून पर अमल करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर दाऊदी बोहरा यानी शिया समुदाय के करीब है। आपने अहमदिया मुसलमानों के बारे में सुना होगा। ये असल में वो मुसलमान हैं जो हनफी इस्लामिक कानून का पालन करते हैं। इस समुदाय की स्थापना पंजाब के कादियान में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। इस समाज का मानना है कि मिर्जा गुलाम अहमद खुद नबी का ही एक अवतार थे। इनका कहना है कि इसमें कोई नई शरीयत नहीं आई है, वो पैगंबर मोहम्मद की शरीयत को ही फॉलो कर रहे हैं। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका अहमदियों को मुसलमान मानता ही नहीं है। हालांकि भारत, पाकिस्तान और ब्रिटेन में अहमदियों की अच्छी खासी संख्या है, और आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि पाकिस्तान में तो आधिकारिक तौर पर अहमदियों को इस्लाम से खारिज कर दिया गया है। और अब जरा सी बात शिया मुसलमानों की भी कर लेते हैं। वैसे इनकी धार्मिक आस्था और इस्लामिक कानून सुन्नियों से काफी अलग है। ये पैगंबर मोहम्मद के बाद खलीफा नहीं बल्कि इमाम नियुक्त किए जाने के समर्थक हैं। उनके असल उत्तराधिकारी उनके दामाद हजरत अली थे। उनके मुताबिक पैगंबर मोहम्मद भी अली को ही अपना वारिस घोषित कर चुके थे, लेकिन धोखे से उनकी जगह पर हजरत अबू बकर को नेता चुन लिया गया। इसीलिए ये पहले तीन खलीफा को अपना नेता नहीं मानते बल्कि उन्हें गासिब कहते हैं। गासिब अरबी का एक शब्द है जिसका मतलब है हड़पने वाला। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह अल्लाह ने मोहम्मद साहब को अपना पैगंबर बनाकर भेजा था, उसी तरह उनके दामाद अली को भी अल्लाह ने ही इमाम या नबी नियुक्त किया था, और फिर इस तरह से उन्हीं की संतानों से इमाम होते रहे। हालांकि वो बात और है कि आगे चलकर शिया भी कई हिस्सों में बांट दिए गए। इस लिस्ट में एक और बड़े समुदाय की बात आती है, नाम है जैदिया। ये शियाओं का एक दूसरा बड़ा तबका है जो केवल 5 इमामों में विश्वास रखता है, लेकिन 5वें और अंतिम इमाम हुसैन के पोते जैद बिन अली हैं, जिसकी वजह से वो जैदिया कहलाते हैं, और ये मुसलमान यमन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अब बात एक ऐसे समुदाय की जिसके नाम में ही खुशी झलकती है, ये है इस्माइली शिया। ये समुदाय केवल 7 इमामों को मानता है और उनके आखिरी इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल हैं। यही वजह है कि इन्हें इस्माइली कहा जाता है। हालांकि ये एक विवाद भी झेल चुके हैं। विवाद था इसना अशरी शियों का। वजह थी इमाम जाफर सादिक के बाद उनके बड़े बेटे इस्माइल बिन जाफर इमाम होंगे या फिर दूसरे बेटे। इसना अशरी समूह ने उनके दूसरे बेटे मूसा काजिम को इमाम माना, और इस तरह इस्माइलियों ने अपना 7वां इमाम इस्माइल बिन जाफर को माना था। अगला और आखिरी समाज है खोजा, जो गुजरात का एक व्यापारी समुदाय है जिसने कुछ सदी पहले इस्लाम कबूल किया था। इस समुदाय के लोग शिया और सुन्नी दोनों तरह के इस्लाम को मानते हैं। ज्यादातर खोजा इस्माइली शिया के धार्मिक कानून का पालन करते हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या में खोजा इसना अशरी शियों की भी है। पर कुछ खोजे सुन्नी इस्लाम को भी मानते हैं, और इस समुदाय के ज्यादातर लोग गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो ये थी मुस्लिम समाज की वो जातियां जिसे लेकर कहीं ना कहीं कभी ना कभी विरोध होते रहे हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।